फ्रेंड्स, विंडोज 11 डेव चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट को प्रोवाइड कर दिया। इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 25227। तो इस अपडेट को आपको कैसे डाउनलोड करना है और इस अपडेट के साथ आपको क्या कुछ नया फीचर्स मिल सकता है विंडोज 11 डेव चैनल पे, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में देखने का कोशिश करता हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस अपडेट को परफॉर्म करने से पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मेरा पीसी में कौन सा वर्जन चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर विंडोज में जाके सारा कुछ देखने का कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो मेरा पीसी में अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पर 25217 करके। तो अभी मैं यहाँ पर इस पीसी में अपडेट को इंस्टॉल कर देता हूँ। इसके लिए आपको विंडोज 11 पे सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद अपडेट सेशन में जाना होगा। और अपडेट सेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो आपका पीसी में, अगर आप विंडोज 11 का डेव चैनल को यूज कर रहे हो तो यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपको अपडेट सेशन में वहाँ पर देख सकते हो 25227 करके ये अपडेट आ गया। तो इस अपडेट को पहले डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ये अपडेट इंस्टॉल होगा और सारा कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद उसके बाद आपको पीसी को पूरी तरह से रजिस्टर करना होगा। और रजिस्टर करने के बाद मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मेरा पीसी में क्या कुछ वर्जन चल रहा है। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, मैं यहाँ पर विंडोज में जाके मैं सारा कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो अभी यहाँ पर चल रहा है 25227 और नया जो लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया ये अपडेट को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया। तो इसके बाद इस अपडेट के साथ क्या कुछ नया फीचर्स आपको मिला मैं यहाँ पर देखने का कोशिश करता हूँ एक एक करके। फर्स्ट, इस अपडेट के साथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 डेव चैनल पे ग्रुप पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस करने का कोशिश किया, दो ऑप्शन एक्स्ट्रा करके वहाँ पर प्रेजेंट किया। फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर स्पेसिफाई डेडलाइन फॉर ऑटोमेटिक अपडेट एंड रजिस्टर द क्वालिटी अपडेट। आपका विंडोज 11 का क्वालिटी अपडेट के लिए ये ऑप्शन को यहाँ पर प्रोवाइड किया। इस ऑप्शन को आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। ये क्वालिटी अपडेट होने के साथ साथ इंप्रूव हो जाएगा, उसके साथ फीचर्स अपडेट को आप यहाँ पर से पा सकते हो। सेकेंड जो ऑप्शन है स्पेसिफाई डेडलाइंस ऑटोमेटिक अपडेट एंड रजिस्टर द फीचर्स अपडेट, फीचर्स अपडेट आप यहाँ पर विंडोज 11 के पा सकते हो। ये दो ऑप्शन को ग्रुप पॉलिसी के अंदर ऐड किया माइक्रोसॉफ्ट ने। इसके साथ साथ क्वालिटी अपडेट, फीचर्स अपडेट आप यहाँ पर डिसेबल इनेबल कर सकते हो आपको मर्जी के हिसाब से। उसके साथ साथ अगर आप विंडोज 11 पे स्टार्ट ऑप्शन में जाते हो तो देखो यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर आपका जो आइकॉन है स्टिकर वो ऐसे करके मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ऐसे करके मिल गया, मैं यहाँ पर अमित पोदर करके यहाँ पर इस पीसी में रखा, ये ऐसे करके स्टिकर मुझे मिल गया इस पीसी में, ऐसे करके ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आप इस भाषण की यूज कर रहे हो तो। उसके साथ साथ विंडोज 11 पे जो सबसे अट्रैक्टिव फीचर्स है विजेट्स, इसको बहुत सारा इंप्रूव करने का कोशिश किया। यहाँ पर विजेट्स का जो टाइटल है, इस टाइटल को आप ऊपर से साइड पे ले आ सकते हो, मगर ये जो फीचर्स, ये जो नया फीचर्स को माइक्रोसॉफ्ट ऐड करने का कोशिश किया, ये फीचर्स को सब विंडोज 11 डेव चैनल के साथ ऐड अभी तक नहीं हुआ, मगर ये हो जाएगा। इस फीचर्स को नया ले आने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ विंडोज 11 जो ट्रे फीचर्स है, यहाँ पर देख सकते हो आप ट्रे फीचर्स कैसे करके ऐसे करके आएगा। अभी इस ट्रे फीचर्स को एक आइकॉन को दूसरी जगह पे आप प्लेस कर सकते हो, ऐसे करके प्लेस कर सकते हो अभी ट्रे आइकॉन में विंडोज 11 का। देखो यहाँ पर ऐसे करके आ गया विंडोज 11 का ट्रे आइकॉन इस अपडेट के साथ साथ। उसके साथ साथ मैं देखो यहाँ पर वाइट को ओपन कर लिया, इसके साथ साथ देखो यहाँ पर मैं स्पीकर को भी ओपन कर लिया। स्पीकर, इस स्पीकर से अगर आप कुछ बोलते हो तो ऑटोमेटिक ले दिखा, मगर कुछ पीसी में ये सारा कुछ काम नहीं कर रहा था, ये जो स्पीकर है अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। देखो यहाँ पर अभी ये स्पीकर सारा कुछ सुन रहा है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल करंट टेक्निकल न्यूज, अच्छी तरह से लिख दिया जो मैं यहाँ पर बोला, अच्छी तरह से लिख दिया। देखो यहाँ पर अभी हिंदी तो नहीं लिख सकता यह, देखो यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल करंट टेक्निकल न्यूज, जो मैं बोला यहाँ पर लिख दिया, मगर कुछ पीसी में ऐसा हुआ कि ये स्पीकर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा था। तो ये ऑप्शन को पूरी तरह से इंप्रूव करने का कोशिश किया माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देने के बाद। स्पीकर लेके जितना सारा इशू था वो सारा कुछ इसको फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। इसके बाद विंडोज 11 पे सेटिंग सेशन में जो डिक्स पार्ट है, इसका आइकॉन को अगर आप मॉडिफाई या चेंज करने का कोशिश करते हो तो एक वार्निंग करके एक ऑप्शन मिल जाएगा कि ये हो सकता है कि आपका जितना सारा डाटा है सारा कुछ डिलीट हो सकता है, ऐसे करके एक वार्निंग वाला मैसेज आ जाएगा अगर आप इसको मॉडिफाई या चेंज करने का कोशिश करते हो। तो ये सारा कुछ ऑप्शन को ऐड किया इस अपडेट के साथ साथ। तो इसके साथ साथ ये विंडोज 11 ऐप सेक्शन में ऐप्स का जो साइज था उसको डिक्रीज करने का कोशिश किया। देखो यहाँ पर बहुत छोटा करके आप अभी देख सकते हो, इसका ऐप्स का साइज बहुत ही छोटा करके प्रेजेंट कर रहे हैं अभी। आपका विंडोज 11 डेव चैनल पे वाईफाई और नेटवर्क का अभी आप वहाँ पर गेटवे इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क डिटेल्स सारा कुछ डिटेल्स में सारा कुछ देख सकते हैं। आपको वाईफाई लैन कनेक्शन में जाने के बाद ये सारा कुछ आप आसानी से देख सकते हैं। और कुछ विंडोज 11 डेव चैनल के साथ एक प्रॉब्लम आ रहा था, अगर आप उसको अपडेट करने जाते हो विंडोज को तो वहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा था, एक मैसेज दे रहा था यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा था। वो मैसेज था 0xC19001
101 करके एक मैसेज दे रहा था, उसके साथ साथ अपडेट नहीं हो रहा था। तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ने ए अपडेट देने के बाद। उसके बाद विंडोज 11 सर्च सेक्शन में कुछ इशू आ रहा था। अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो वहाँ पर वो ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली गायब हो रहा था। तो ये इशू था विंडोज 11 डेव चेंज के साथ। इसको पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट इस अपडेट देने के बाद। और फाइल explorer.exe क्रैश हो रहा था कुछ टाइम, इस इशू को भी फिक्स किया इस अपडेट देने के बाद। उसके साथ साथ विंडोज 11 पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में बहुत सारा कुछ इंप्रूव करने का कोशिश किया। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अभी आप कुछ गेम को सर्च करने का कोशिश करते हो तो इस गेम पे वहाँ पर कर्सर ले जा रखे उस गेम का कुछ ट्रेलर आप देख सकते हो। वहाँ पर इस गेम कैसे करके ओपन हो जाएगा ये सारा कुछ आप ट्रेलर देख सकते हो। अभी कोई भी गेम का ट्रेलर आप ऑटोमेटिकली छोटा करके देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप विंडोज 11 पे कुछ सर्च करते हो और सर्च उसमें लिखने के बाद वहाँ पर क्लिक करने के बाद वो ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा था, ऑप्शन पूरी तरह से ऑफ हो जा रहा था। तो ये इश्यू था विंडोज 11 डेव चेंज के साथ। इसको पूरी तरह से फिक्स किया माइक्रोसॉफ्ट ये अपडेट देने के बाद। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 पे 25227 इस अपडेट देने के बाद और भी बहुत सारा कुछ फीचर्स देने का कोशिश किया, मगर मेजर जो था मैं यहाँ पर बोलने का कोशिश किया। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना, आप दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो लेके तो इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकता। अगर इस चैनल का न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का नॉलेज वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते और मिलते हैं बहुत जल्द को नया वाला वीडियो में। टू डेज ओके, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।